ରୂପାନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ରୂପାନ୍ତର ଉପକ୍ରମ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା 2024 ସୁଦ୍ଧା 15ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଆଦିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା सबु विभाग एभली अभिनव प्रयोग रे रूपांतर आणिबाकु परामर्श देले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता रे राज्य सरकार रूपांतर श्रृंखलार प्रथम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक रे जल संपद विभाग पक्षरु अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुगर्ग विभाग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव संपर्क में एक उपस्थापना रखिथिले। उपस्थापना अनुजाई 2024 सुधा राज्य में 15टी प्रमुख जलसेचन प्रकल्प कार्यकारी होबाकु जाउछि। एथिमध्यरु चलित वर्ष 4टी 2023 रे 4टी एवं 2024 रे 7टी प्रकल्प कार्यकारी होबो। सबु प्रकल्प रे प्रजुक्ति विद्या टीम वर्क दायित्ववान पुनर्वास नीति श्रमिक कल्याण आदिर सफल प्रयोग करा जाइछि। एहा द्वारा ओडिसा रो जल संपद क्षेत्र में एक रूपांतर आसी परिबो। जलसेचन प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारिता क्षेत्र में 5टी कार्यक्रम सफल प्रयोग कर बहुदिन प्रकल्प गुड़िकु संपूर्ण करने पदक्षेप नहीं जल संपद विभाग को प्रशंसा करथिले मुख्यमंत्री। एहा सह विभाग समस्त जंत्री मानंकु मध्य धन्यवाद जणाइथिले। प्रत्येक विभाग एहिपरि अभिनव प्रयोग में विभिन्न योजना कार्यकारी करबाकु मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। बलांगीर केन्दुझर और मयूरभंज आदि जिलार जिलापाल माने चालिथिबा जलसेचन प्रकल्प गुड़िक विस्थापन प्रक्रिया को किपरि त्वरान्वित करा जायछि से संपर्क में सूचना देथिले। उपस्थापन रे देव प्रकल्प लोयर सुकतेल प्रकल्प सुवर्णरेखा कानपुर छेलीगड़ रेंगाली दक्षिण केनाल रेंगाली बाम केनाल एवं आहुरी अनेक प्रकल्पर अग्रगति संपर्क रे सूचना दिया जाइथिला। एही अवसर रे 5टी सचिव वीके पांडियन कहिथिले जे स्वच्छतार सह विभिन्न अभिनव उपाय रे राज्यर विकास पाई पदक्षेप नेले मुख्यमंत्री सबुबेले तांकर सहयोग और सहायता जोगाइबाकु प्रस्तुत रहिबे। बैठक में अर्थमंत्री राजस्व मंत्री नगर उन्नयन और गृह निर्माण मंत्री शक्ति मंत्री जलसंपद मंत्री प्रमुख उपस्थित थिले। उन्नयन कमिश्नर और विभिन्न विभागर प्रमुख सचिव माने मध्य उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।